हाय गाइज, वेलकम टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज आपसे शेयर करने वाली हूँ इस क्रीम का रिव्यू। ये है गैलो ई ब्रांड की तरफ से मॉइस्चराइजिंग क्रीम फॉर विंटर सीजन। लाइक मैंने विंटर सीजन में ही इसको ट्राई किया है तो मुझको तो काफी ज्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे रिव्यू शेयर करूँ। इसके अंदर एलोवेरा प्लस वाइटामिन ई है, जो कि बहुत अच्छे इन्ग्रीडियंट्स हैं स्पेशली विंटर सीजन के लिए। वाइटामिन ई आपको आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्पॉट्स इन सबको रिमूव करता है। तो कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में ये क्रीम आती है। मैंने पैकेज संभाल के रखी थी तो मैं मेरी मम्मा दोनों ही इसको यूज कर रहे थे। ये 189 रुपीस की मिल जाती है। जितना मैंने इसे यूज किया है मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि ये एक काफी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। मॉर्निंग लाइक फेस वॉश टोनर के बाद मैं इसको यूज कर लेती हूँ तो काफी ज्यादा अच्छा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट रहता है, ऑल डे रहता है। लाइक दोबारा कोई भी मॉइस्चराइजर या कुछ अप्लाई करने की जरूरत पड़ती नहीं है। मेकअप बेस के नीचे काफी ज्यादा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज एंड पोर भी काफी अच्छे से फिल कर देता है, तो काफी इवन लगती है स्किन। एंड धीरे धीरे जैसे कि एलोवेरा है तो विटामिन ई इसके अंदर भी है, तो मॉइस्चराइजिंग के साथ साथ ही आपके स्किन को एक विद इन सा ग्लो प्रोवाइड करता है, जो कि काफी अच्छा पॉइंट है इसका। इसके और इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो एनरिच विद एलोवेरा एंड विटामिन ई। इसके अंदर एलोवेरा जूस है 10%, दा डिराक्टा इंडिका है 3%, ऑक्यूमम सेंटम है 3%, विटामिन ई 1% है। क्रीम बेस है एंड इसकी 2 ईयर्स की शेल्फ लाइफ है। 189 रुपीज में आपको मिलता है एंड इसकी क्वांटिटी आपको 100 ml मिल जाएगी। तो ये एक्सट्रीम लेवल जिनकी भी ड्राई स्किन है वो तो जरूर ट्राई करें। आप इसको अपनी पूरी बॉडी में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, काफी मॉइस्चराइजिंग है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। इस टाइप की पैकेजिंग में आता है एंड वाओ, सी को अप्लाई करके दिखाती हूँ। सी तो काफी ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है, आपको बस एक बार यूज करने की जरूरत है। आप इसको समर में भी यूज कर सकते हैं, विंटर में भी, बट आई फील कि ये टब आपका आराम से 1 से 1.5 साल चलेगा, क्योंकि काफी ह्यूज टब है एंड 189 में ओनली, तो काफी अफोर्डेबल भी है। कोई भी ड्राई स्किन वाला अच्छा मॉइस्चराइजर ढूंढ रहा है देन गो फॉर इट। मैं आपको बहुत मतलब एश्योरिटी के साथ बोल रही हूँ कि ये प्रोडक्ट आपकी ड्राई स्किन के लिए जरूर काम करेगा, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन थोड़ी सी होती है और उसके लिए मुझे इतना ऑयली इतना ग्रीसी लगा कि मतलब मैं क्या बताऊँ। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेग्रेंस इसकी, एकदम नेचुरल सी एलोएवेरा जैसी जो होती है, वाइटामिन ई जैसी वैसी ही आ रही है। कोई केमिकली फील नहीं आ रहा है इसमें से, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक काइंड ऑफ ब्रांड है, तो इसमें कोई ऐसा हार्म केमिकल भी एडेड नहीं है। तो मैं तो आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि आप इस क्रीम को एक बार ज़रूर ट्राई दें एंड बाय करें। तो अगर बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई थिंक इसमें शायद ऑफ भी मिल जाए आपको, तो अगर ऑफ मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो लिंक पे जाके जरूर इसको चेकआउट करें एंड अगर इसका रिव्यू पसंद आया है आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है, देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।